मेरा मतलब है कि शुक्र है कि कोई खतरे की बात नहीं है। मुझे समझ आ गई तुम्हारी परेशानी की वजह। ये क्या कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं आप दोनों? अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी सास यहाँ से कब जा रही है? वो नहीं जाने वाली है, अभी कह रही है कि ईद तक मैं यहीं रुकूंगी। क्या वो मस्जिद ईद तक यहाँ रहेगी? तुम डर गई थी ना कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। ऐसी कोई बात, देखो सोफिया ये मेरा हक है, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। वो तो मजबूरी में तुम्हारा साथ देना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि बीना का असल चेहरा सामने लेकर आना है, वरना मैं आज भी उतनी नफरत करती हूँ जितनी पहले करती थी। जानती हूँ मैं सोफिया, मगर ये मत भूलो कि जैसे तुम आगा की बीवी हो वैसे ही मैं भी उनकी बीवी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए थक गए। आज बहुत काम था ऑफिस में भाई, बहुत काम था। बीना तुम ऑफिस नहीं आई, बहुत काम हो गया, लोड बहुत हो गया काम का। पता नहीं तुम बहुत छुट्टियां नहीं करने लगी हो। हाँ हाँ आज तो तुम्हें ऑफिस चले जाना चाहिए था बीना, आगा का तुम्हारे बगैर दिल जो नहीं लगता। दिल लगने की बात नहीं है मॉम, काम की बात है। बीना अच्छा खासा ऑफिस का काम संभालती है, यानी जब मैं और डैड मीटिंग में होते हैं तो काम पेंडिंग में नहीं होता कोई भी बीना की वजह से। हसन बेटा किसे समझा रहे हैं आप? इनसे तो सिर्फ नेगेटिव सोच की उम्मीद रखें, अच्छी सोच तो रख ही नहीं सकती हैं। आगा प्लीज आप सोफिया के साथ इस तरह बात नहीं किया करें। सुन लो तुम्हारे लिए क्या कहती रहती है और तुम इसके लिए क्या सोच रखती हो। मुझे ना किसी की जरूरत है और ना किसी की हमदर्दी चाहिए। देखा तुमने, देखा ये है इसकी सोच और ये है इसका मिजाज। काम डाउन डैड। अच्छा चलें मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। यार मूड ही ऑफ कर देते हैं सुबह सुबह जब आओ। टेंशन टेंशन। मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ पागल। नहीं बेटा तुम तो बहुत अच्छी हो। आओ बेटा इसमें सारा का कोई कसूर नहीं है। कसूर इसी का है, खुदा ना खासा दिया को कुछ हो जाता फिर। आमिर मैं कह तो रही हूँ कि मैंने फ्रेंड को दिया था डॉल को। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलती। फिर इस किस्से को यहीं खत्म कर दो, अपने दिमाग से सोचो ये तहमीना की विचार हो सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैंने खुद दिया को उठा के जमीन पर लिटा दिया और चीख चीख कर मुझे बुलाने लगी? जाहिर है वो तो बच्ची है, हिल भी नहीं सकती। अब वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बेटा शाबाश, बच्ची को लाकर सारा को दे दो। जाओ मेरे बेटा। कौन है? आमिर अम्मी। आ जा। अम्मी वो रिया को लेने आया है ना तू? जी सारा बहुत रो रही है ना। जानती हूँ, उसने रो रो कर मगरमच्छ के आंसू बहाकर तुझे मना लिया होगा। मुझे उसकी तरह रोना नहीं आता ना, इसलिए तू मेरी बात नहीं सुनता। आप गलत समझ रही हैं मुझे। नहीं नहीं तू गलत थोड़ी है, मैं गलत हूँ, बाकी सब सही हैं। अरे गलत मैं हूँ और इस बच्ची पे मेरा क्या हक है? ले जा अपनी बच्ची, ले जा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपका इस पर हक है, पूरा हक है, और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्यों आई है तू यहाँ? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे मेरी डॉल दे दे प्लीज फ्रेंड। बस करता है मीना, अब इसे माफ कर दो। आमिर बेटा डॉल सारा को दे दो। जी
सुनो लड़की, तुम्हारी माँ क्या मुस्तकिल कयाम के लिए आ गई है इस घर में? हाँ, दो हफ्ते का कहकर दो महीने गुजर गए। शायद तुम भूल रही हो कि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहे रखूं, जिसको चाहे बाहर निकालूं। चलो बीना, सोना नहीं है क्या? हसन, इसकी माँ यहाँ से कब जा रही है? अरे हाँ बीना, तुम्हारी अम्मी को घर नहीं जाना क्या? हसन, मुझे अच्छा लगेगा अगर अम्मी यही हमारे साथ ही रहें। मगर ऐसे कैसे वो हमारे घर में रह सकती हैं? क्यों, आपकी माँ मेरे घर में रह सकती है और मेरी माँ मेरे घर में नहीं रह सकती? ये क्या बात कर दी तुमने? ठीक है तो कह रही हूँ मैं। अरे अरे, बहस छोड़ो और जाओ सो जाके, हम बाद में बात करते हैं। अरे मेरी प्यारी, आप आ, तुम इतनी मायूस क्यों हो रही हो? अगला वार देखना, अगले वार में बच्ची तुम्हारी होगी, सारा से हमेशा के लिए दूर। कब होगा ऐसा? तुझे बताया तो था कि राणा साहब ने बच्ची आमिर के हाथ से सारा को दिलवा दी। अरे भाई आपा, तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई ना, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि आमिर के दिल में ये ख्याल आ गया कि सारा तो बच्ची का ख्याल ही नहीं रख सकती? कहीं वो मुझ पर शक तो नहीं कर रहा होगा? अरे आपा छोड़ो ना, वो क्यों शक करेगा, जाने दो ना उसे। अब तुम जो मैं कहती जा रही हूँ ना वो करो, अगली चाल सुनो तुम मेरी। देखो मेरी बात सुनो, आओ आओ बैठो। दिया सो रही है क्या? जी सो रही है। और ये तूने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, लगता है कई दिनों से नहाई नहीं है। नहीं, मैं तो परसों ही नहाई थी। देख साफ रहा कर, जा जाके नहा ले, बच्ची की सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि माँ भी साफ सुथरी हो। जी अभी जाती हूँ। आमिर, राणा साहब जल्दी आए ऊपर। आमिर कहाँ हो? आमिर, राणा साहब जल्दी ऊपर आए। आमिर, राणा साहब, आमिर कहाँ है? आप लोग जल्दी आए, कहाँ है, जल्दी आए। आमिर क्या हुआ? ये देखो। अरे मेरी बच्ची, जाओ। सारा कहाँ है? न जाने बच्ची के मुंह पे तकिया रखकर कहाँ मर गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कमरे में आ गई, और अगर मैं कमरे में ना आती तो बच्ची का दम घुट जाता। और बस बस कर दे बिना, ऐसी बात मुंह से ना निकाले। आज सारा को छोड़ूंगा नहीं मैं, है कहाँ? शायद बाथरूम में। सारा, सारा, सारा बाहर आओ। आमिर बेटा, अभी निकल जाती, बात कर लेना तुम। मैं अपनी बच्ची ले जा रही हूँ, इस पागल के आसरे पे मैं अपनी बच्ची नहीं छोड़ सकती, मार देगी मेरी बच्ची को। मैं ले जा रही हूँ, हटे। आमिर बेटा, आराम से बात करना, गुस्सा ना करना। Thank you.
क्या बात है, जल्दी उठ गई आज? हाँ, तुम्हारी बेगम नहीं उठी अब तक? हाँ, बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, कवर कर लेते हो वैसे। बेकार की बातें मत करो और ये बताओ कि कल चलोगी ना, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, आगे बता रहे थे मुझे, मगर मैंने तो सुना कि कल इफ्तार पार्टी भी रखी है ऑफिस में। अच्छा, पता नहीं, डैड ने मुझे नहीं बताया। हाँ वैसे होगी, हर साल ही होती है, लेकिन मीटिंग तो सुबह में है ना। मेरा जाना जरूरी है क्या? तुम कुछ ज्यादा आराम पसंद नहीं हो गई हो? हाँ, एक बात बताओ मुझे, ये शादी के कुछ अरसे बाद बीवी ऐसी क्यों हो जाती हैं? वहां वो आराम करती रहती है, यहाँ आप मोहतरमा? सारा बाहर आओ। इधर आओ। तुमने फिर वही हरकत की? दिया का सांस रुकने वाला था। कैसी गैर जिम्मेदार माँ हो तुम। अबे मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आज के बाद दिया को हाथ मत लगाना, समझी? इफ्तार की तैयारियां हो गई सारी? सारी हो गई हैं, सब अरेंजमेंट्स हो गई हैं, सब इंतजाम कर लिए हैं, डोंट वरी। चलो ये तो अच्छा हुआ, इंतजाम हो गए। किस चीज का इंतजाम? ऑफिस में इफ्तार रखा है हमने, बस उसी की बात कर रहे थे। अच्छा, फिर तो मैं जरूर चलूंगी। हाँ हाँ जरूर, तुम्हें तो बहुत अरसा हो गया ऑफिस आए हुए, इसी बहाने सबसे मिल भी लेना। हाँ मैं बीना को भी बोल दूंगा, अच्छा है सब होंगे। अरे बीना को बोलने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं भाई, बहू है वो इस घर की। वो नहीं जाएगी। तो ठीक है, आप भी नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाऊंगी मैं जरूर जाऊंगी। कौन है जो मुझे रोकेगा, मेरा अपना ऑफिस है। मॉम डैड प्लीज रिलैक्स, क्या हो गया? ये हर बार कोई ना कोई ऐसी बात करती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। कोई फायदा नहीं आपके रोजा रखने का, जो आप अपने गुस्से पे काबू ना रख सके। वैसे आपके भी रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है, दिल में तो बुक्स रख के बैठी रहती हो। मॉम डैड प्लीज, डैड आप ही चुप हो जाएं। सो फिर चलो आओ, हम चल के इफ्तारी बनाते हैं। घर में नौकर खानसामा मौजूद है, बना लेंगे। नहीं, आज हम दोनों खुद बनाएंगे इफ्तारी। वाओ साउंड्स गुड, आपके हाथ की फ्रूट चाट और पकोड़े खाए हुए बहुत अरसा हो गया मॉम। और हाँ वो बादाम। फ्रेंड, आप सबको पता है कल मेरी डॉल बहुत रो रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने आमिर को उठाया तो आमिर ने डॉक्टर को कॉल की। फिर डॉक्टर ने कहा कि शायद बच्ची के पेट में दर्द होगा, तो इसके बैक को ना थोड़ा सा रब कर दो तो दर्द ठीक हो जाएगा। फिर आमिर ने बैक को रब किया तो दर्द ठीक हो गया। हाँ बच्चों के हो जाता है पेट में दर्द। देखो बेटा, अगर कुछ तुम्हारी समझ में ना आए ना तो तुम तहमीना से पूछ लिया करो जाकर। हाँ सारा, अबू ठीक कह रहे हैं। नहीं फ्रेंड, मैं जब भी फ्रेंड को डॉल देती हूँ ना तो वो मुझे वापस ही नहीं देती। सारा, मैंने तुम्हें मना किया था कि दिया को मत लिया करो, उसके बावजूद तुमने इसे अम्मी से ले लिया। नहीं आमिर, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, बस अपने पास रखूंगी। कल भी सारा दिन उनके पास थी, आज तो मेरे पास रहने दो। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे अलग ना करूं खुद से, हर वक्त अपने सीने से लगा कर रखूं। प्लीज आमिर, रहने देना आमिर भाई प्लीज। भाभी आजकल ये ऊट पटांग हरकतें करने लगी, इसने दिया को रात को पता नहीं क्या खिलाया कि पेट की दर्द से रात भर दिया तड़पती रही है। अरे पर आमिर, ये तो सिर्फ फ्लूइड्स लेती है, सारा ने ऐसा क्या खिलाया होगा इसे?
बेटा बच्चों के पेट में अक्सर दर्द हो जाता है। नहीं अबू, सारा ने जरूर दिया को कुछ खिलाया होगा तभी दिया के पेट में दर्द हो रहा। नहीं आमिर, मैंने कुछ नहीं खिलाया। झूठ मत बोलो, अम्मी ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इसे कुछ खिलाते हुए। फ्रेंड झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं खिलाया। खबरदार, जो अम्मी के बारे में तुमने बात की इस तरह। हाँ वो झूठी है, झूठी है, झूठी है, झूठी है। खामोश हो जा सारा, और दिया को तुम इधर लाओ। नहीं, मैं अपनी डॉल किसी को नहीं दूंगी। यार आमिर थोड़ी देर रहने दो ना उसके पास। नहीं भाई, मैं इसे अम्मी को दे के आऊंगा। आमिर सारा प्लीज रो मत। देखो मैं खुद अंदर जाके तुम्हारे लिए तुम्हारी डॉल ले आऊंगा, ठीक है? नहीं बेटी, मुझे मेरी डॉल नहीं मिलेगी। ना मुझे रात में देते हैं, मुझे दिन में दे दिए। ये तो एक माँ के साथ ज्यादती है। पता नहीं अचानक की काया कैसे पलट गई। आमिर को अपनी माँ की बातों पर एतबार आने लगा है। मेरी समझ से तो बाहर ये बात। पता नहीं अबू, समझ नहीं आ रहा कि अम्मी चाहती क्या है। बेटा ऐसी औरत को अल्लाह ही हिदायत देगा। बेटा सारा सब ठीक हो जाएगा,